सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यार ये जो वीडियो है ना, इसकी डिमांड मतलब आपकी रहती है कि मैं मतलब बता दूं, चाहे रोजाना ऐसा एक वीडियो जहां पे आप हमेशा अक्सर पूछते रहते हैं कि यार बेस्ट फोन लेना है, 5,000 का कौन सा है, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,000 का कौन सा बेस्ट फोन है, बेस्ट बैटरी किसकी है, स्क्रीन किसका अच्छा है, कैमरा किसका अच्छा है। तो यहाँ पे आज अब इस वीडियो का एक तरीके और मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरे कुछ रिकमेंडेशन कि आप किस प्राइस रेंज में कौन सा फोन लेंगे तो आपको मिलेगी आपके पैसे की पूरी वैल्यू, जिसके बाद में आप उस फोन को एंजॉय भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ 5-6 हज़ार रुपए से, बिकॉज उसके नीचे अगर आप फोन लेते हैं तो इतना कुछ मजे वाली बात रहती नहीं है, लेकिन उसके बाद अपन आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे भैया, जाएंगे आगे 30-40-50 हज़ार रुपए तक। और यहाँ पे जो पहला फोन है जो आपको नहीं लेना है वो है नोकिया 1। ये दोस्तों अभी नया नया फोन लॉन्च हुआ है, प्राइस है 5499। हो सकता है आप में से कुछ उधर नोकिया का नाम सुन के, फिर अगर आपके घर में मान लीजिए कोई बड़े हैं, अगर आपके फादर वगैरह हैं तो वो नोकिया का नाम सुन के नोकिया 1 को शायद लेना पसंद करें, लेकिन नोकिया 1 बिल्कुल मत लेना। 5,499 रुपये आपके बर्बाद हो जाएंगे अगर आप वो फोन लेते हो, तो प्लीज उससे बचना। लेकिन जो लेना है वो आप ले सकते हो 6,000 रुपये के अंदर। आपको टेनोर डी एक फोन मिलता है जो कि आता है स्नैपड्रैगन 425 के साथ में। यहाँ पे 3 GB की रैम है, 32 GB की स्टोरेज है और जो स्क्रीन है वो है 5.2 इंचेस का एक HD डिस्प्ले। तो ये जो फोन है ये आप ले सकते हो, आपको एक अच्छी वैल्यू मिलती है। इसके अलावा 6,000 के अंदर आपको जो भी मिलता है वो रेडमी का 5A मिलता है, जो पहले 5 का था तो लेने लायक था, अभी वो 6 में लेने लायक नहीं है, बिकॉज उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, प्लास्टिक वगैरह का डिजाइन है और इतना कुछ खास फोन रहा नहीं है। लेकिन अगर शॉमी पसंद है तो वो ले सकते हो, फिलहाल के लिए 10 और डी ले लेना, 6,000 रुपए का काफी बढ़िया फोन है। और इसके अलावा 7,000 के अंदर वापस जो रिकमेंडेशन है वो निकल के आती है 10 और की तरफ से, ये है 10 और ई। मजे की बात ये भाई, 7,000 के अंदर आपको मिलता है 5.5 इंचेस का एक फुल HD डिस्प्ले, 4,000 mAh की बैटरी है, यहाँ पे जो कैमरा है वो है 13 MP का और 5 MP का। इसके अलावा मिलता है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 430, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है 7,000 में। लेकिन अगर आपको चाहिए 7,000 में थोड़ी सी और ताकत तो आप ले सकते हो यहाँ पे Xiaomi का Redmi 4। इसमें 4100 mAh की बैटरी है, बैटरी मतलब खतरनाक है भैया, बहुत लंबी चलती है। साथ में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 435। हालांकि Redmi 4 जो है वो फोन पुराना है, लेकिन आपको 7,000 के अंदर काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो आप इसको चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पे 8,000 रुपए के प्राइस रेंज में, तो टेनोर ने ना मतलब क्या किया था कि जो फोन्स लॉन्च किए उनकी प्राइस थोड़ी थोड़ी और भी अभी तक कम हो चुकी है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन निकल के आता है टेनोर जी, इसके अंदर भी आपको मिलता है फुल HD स्क्रीन 5.5 इंचेस का, साथ में स्नैपड्रैगन 626 प्रोसेसर। मतलब यार अगर 8,000 में आपको 626 मिल जाए तो फिर 23,000 का वीवो कोई क्यों ले, लेकिन यहाँ पे ये भी एक अच्छा फोन है, आपको काफी अच्छी बैलेंस परफॉर्मेंस मिलती है 8,000 के बिल के हिसाब से, तो ये आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं 9,000 की तरफ, तो यहाँ पे तो भैया Redmi 5 है, आप सबको मालूम है। इसका हालांकि एक वेरिएंट 8,000 वाला भी आता है, लेकिन वो लेने का फायदा नहीं है, 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, तो मतलब फिर उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाओगे, ड्यूल सिम लगाओ। टेनोर के जो फोन से इसमें अच्छी बात यह है कि आपको अलग से एक स्लॉट मिल जाता है मेमोरी कार्ड का, तो आपको टेंशन नहीं है कि भैया ड्यूल सिम आप यूज नहीं कर पाओगे। तो जो Redmi 5 का वेरिएंट आपको बता रहा हूँ वो है 9,000 रुपए वाला, जहां पे 3 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर है और ये आता है नए वाले डिजाइन, वो 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के डिस्प्ले के साथ में, तो ये आप चूज कर सकते हो, काफी कमाल फोन है। आगे बढ़ते हैं 10,000 का फोन, तो भैया आप सबको मालूम है, मतलब सबकी जुबान पे नाम चढ़ा हुआ है, जुबान केसरी नाम केसरी, ये है रेडमी नोट 5। ये आप ले सकते हो, ये भी आता है नए वाले डिस्प्ले के साथ में जो कि है पतला लंबा वाला, साथ में मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का भैया प्रोसेसर जो कि Xiaomi ने चेंज नहीं किया है पिछले कुछ टाइम से, और ऐसे में फोन जो है वो काफी सही फोन है, 625 के साथ में आता है, बैलेंस्ड आपको फोन मिलने वाला है। ये 4,000 mAh की बैटरी है, कैमरा बोलते हैं पिछले से इंप्रूव किया है, जो कि थोड़ा सा बेटर है, मैंने चेक किया था जब इसको मैंने किया था अनबॉक्स, तो ये आपको मिल जाएगा 10,000 रुपए में, ये आप ले लो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो फोन्स मिलते हैं वो देखो 2-4 अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको Xiaomi का Mi 1 मिल जाता है, आपको Honor का 9 Lite मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप वो वाले फोन जो है ना वो इतना मत देखो, मतलब ले सकते हो Honor 9 Lite, आपको लेने तो 11,000 के अंदर वो मिल जाता है, मतलब डिजाइन जो है फोन का थोड़ा सा कमाल है। इसके अलावा आपको Mi 1 मिल जाता है, लेकिन मैं वो भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आप अपना सिर्फ फोकस एकदम आपका एक जगह लगा लो, जो कि है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro। कमाल फोन है, प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रैगन का 636 है, मिलता नहीं है, बस दिक्कत ये है, वरना उस फोन के अंदर सब कुछ चीजें सही है। मी A1 हो सकता है आपको पसंद आ रहा होगा एंड्रॉइड 1 को लेके, लेकिन यार ये फोन ना पुराना हो गया, इसका भी नया वेरिएंट आने वाला है, तो ऐसे में 14,000 देके आप ये सब परचेज में, आपको Mi Max 2 मिल सकता है 14,000 में, तो वो अगर आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए तब एक अलग बात है, वरना आप कुछ मत देखो,
आपको अगर 11, 12, 13, 14 जाना है तो आप सिर्फ 14,000 का Redmi Note 5 Pro वाला जो वेरिएंट है उसकी तरफ फोकस कर लो। फ्लैश सेल में अगर मिल जाएगा तो मतलब कमाल फोन है। आगे अगर अपन बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर आप अभी मतलब आपको नोकिया लेना है ना, तो ये जो नया वाला नोकिया 6 है इसको आप देख सकते हो, जो कि लॉन्च हुआ 17,000 रुपए के प्राइस में स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर के साथ में। तो ये एक मतलब ओवर प्राइस तो है यार, लेकिन ये एक लेने लायक डिवाइस है जिसको आप ले पाएंगे अगर आपका बजट और ज्यादा है। लेकिन इसी बजट में कहीं आपको छुपा मिल जाएगा सैमसंग का ON7 Prime। दूर से देख के टाटा बोल के भाग लेना, उसको बिल्कुल भी परचेज करना, वो फोन सही नहीं है। मतलब सैमसंग के जो मिड रेंज फोन है ना, लेने कोई मजे वाली बात नहीं है। तो अभी तक अपन पहुंच गए 17,000 रुपए तक, जहां पे आप नोकिया 6 को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि नया वाला था, न्यू नोकिया 6 है। इसके अलावा यहाँ पे 18,000 के अंदर आईफोन SE मिलता है। अगर आप एप्पल फैन है, अगर आपको आईफोन चाहिए, छोटा फोन चाहिए, किसी को छोटा फोन ही चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको बड़ा फोन चाहिए ही नहीं, या घर में किसी को देना है, मॉम डैड को यूज करना है, तो यहाँ पे जो आईफोन SE है 32GB वाला आपको मिल जाता है 18,000 रुपए के अंदर। तो ये एक सही फोन है, मतलब परफेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर आपको एप्पल ही यूज करना है तो 18,000 के अंदर एक सही ऑप्शन है जो आप ले सकते हो यहाँ पे आईफोन SE की फॉर्म में। इसके अलावा आगे अगर बढ़ते हैं तो भैया 22,000 का मिलता है ओप्पो का F7, 23 का मिलता है वीवो का V9। अगर सेल्फी ही चाहिए, लेट से कि आपको बेस्ट सेल्फी चाहिए, मतलब 20-22,000 के अंदर बेस्ट सेल्फी कौन सी मिल जाए, तो देख सकते हो इस तरफ। और ओप्पो वाला थोड़ा सा मेरे को बेटर लगता है जरा सा, बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है वो और बेटर है वीवो वाले से, और थोड़ा सा बेटर काम किया है, 1,000 रुपये सस्ता मिल जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, तो आप भैया मैं कौन तो रोकने वाला, लेकिन हाँ इतना स्ट्रांगली मैं दिल से रिकमेंड करूंगा नहीं आपको इन दोनों ही फोन्स को। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो भैया इसके बाद में आप मोटोरोला का जो X4 है वो देख सकते हो, 6GB वाला जो रैम वेरियंट है, लेकिन एक्सपेंसिव है वो भी। हालांकि आपको प्रोटेक्शन मिलता है पानी के अगेंस्ट, तो यहाँ पे जो वाटर रेजिस्टेंट फोन है वो एक अच्छी बात है काफी, उसके ड्यूअल कैमरास वगैरह हैं। लेकिन मोटोरोला के मैं कोई फोन से भी रेकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूं यार, बिकॉज मोटोरोला ना बहुत जल्दी लेके आने वाला है अपने नया G6 लाइनअप को। तो जब G6 लाइनअप लेके आएगा, लिनोवो भी अगर बीच में कुछ नया लेके आता है, तो हमको नए वाले फोन चाहिए, 8009 एस्पेक्ट रेशियो चाहिए हमको, हमको कुछ नए प्रोसेसर चाहिए। इसीलिए अभी के लिए मैं आपको बोलता हूं कि एक बार वेट ही करो मोटोरोला का, अगर आप कोई फोन लेते हो तो पहले एक बार कुछ आने दो, लिनोवो कुछ आने दो, वरना एक है X4 का ऑप्शन वो आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो 26,000 का फोन है ना, नोकिया 7 प्लस, मजा मतलब कमाल फोन है वो। दिक्कत सिर्फ ये है कि प्राइस थोड़ी सी महंगी लगती है, लेकिन फिर भी 26,000 में कुछ बेकार ऐसे नहीं बोलूंगा कि इस डील की तरफ देखो ही मत। अगर आपका बजट है, नोकिया पसंद है, तो एंड्रॉइड 1 के साथ में आता है भैया, कमाल कैमरा, कमाल बैटरी, कमाल डिजाइन, मतलब बहुत ही एक बैलेंस्ड फोन है स्नैपड्रैगन 660 के साथ में। तो वो आप ले सकते हो यहाँ पे नोकिया 7 प्लस की फॉर्म में, ड्यूअल कैमरा आपको मिलते हैं, और मतलब एकदम बहुत ही कमाल फोन है। और इसके अलावा नोकिया 8 है वो मिल रहा है, इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्नैपड्रैगन 835 आपको मिलता है 27,000 रुपये की प्राइस रेंज में, और इसमें भी ड्यूअल कैमराज हैं, और नोकिया की वो 3D साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। हालांकि थोड़ा सा पुराना फोन हो गया है, लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है, लॉन्च हुआ था कुछ 37-38 पे, अभी मिल रहा है आपको करीब 27,000 के आसपास। इसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो दो फोन्स हैं, LG का जो G6 है उस पर डिस्काउंट लगा के वो मिल रहा है कुछ 29,000 रुपये के आसपास, तो वो आप ले सकते हो। फोन माना पुराना है, स्नैपड्रैगन 821 है, लेकिन कैमरा बहुत कमाल है उसका, उसके अंदर भी आपको स्क्रीन मिलता है 18:9 का। इसके अलावा ड्यूअल कैमरा जो LG का वाइड एंगल कैमरा है वो भी काफी अच्छा है, और आपको मतलब LG का ब्रांड मिल रहा है, थोड़ा सा पुराना फोन हो गया, लेकिन अगर मैं होता तो मैं उस फोन को ले सकता था, कंसिडरिंग कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि भैया फोन पुराना है तो चलता नहीं है, लेकिन हाँ वो फोन थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन सही फोन है अगर आपको मालूम है कि हाँ आप क्या ले रहे हो और किस लिए ले रहे हो तो। लेकिन इसके अलावा जो एक और फोन है 30,000 का, वो है ऑनर का View 10। ये जो View 10 फोन है भैया, ये काफी अच्छा फोन है, इसका कैमरा भी काफी अच्छा है, डिस्प्ले काफी अच्छा है, प्रोसेसर भी सही है, मतलब ये एकदम समझ लो कि ऑनर का फ्लैगशिप है। ऑनर का जो View 10 है वो आप ले सकते हो 30,000 रुपए की प्राइस में, तो ये भी एक सही फोन है। और इसके बाद में जब 30 के ऊपर जाते हैं ना, तो अभी देखो OnePlus 5T लेने का मतलब नहीं है, 5T आपको मिलेगा नहीं, जो मिलता है 128GB वाला वो तो वैसे भी आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। और इस रेंज में कुछ फोन है, फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी का Key 1 है, अगर आपको स्पेसिफिकली ब्लैकबेरी यूज करना है क्वालिटी कीपैड वाला, हालांकि मैं उसको इतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अभी आपको बस वेट करना चाहिए OnePlus 6 का, मतलब इस प्राइस रेंज में कुछ और मत देखो, कोई ऑप्शन मत देखो, OnePlus 6 का वेट करो और वो आने दो। वो जब आएगा तो उसके देखते वेरियंट्स, वो 34-35,000 का आता है, 36-37 का आता है, या जो भी आता है, तो वो ले सकते हो, और डेफिनेटली फोन काफी अच्छा होगा जबकि हम सुन रहे हैं रूमर्स में। लेकिन अभी के लिए OnePlus 5T या ऐसा कुछ परचेज मत करो, वेट करो OnePlus 6 का। इसके ऊपर बढ़ते हैं, चलो 40 के ऊपर, तो 40 के ऊपर आपको क्या मिलता है, सैमसंग का S8 S9 मिल जाता है, गूगल का पिक्सल 2 वगैरह मिल जाता है, पिक्सल 2 XL मिल जाता है, इसके अलावा आपको आईफोन 8 क्या, आईफोन 10 क्या, सब कुछ वहां पे भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, LG का V30 Plus वगैरह बहुत सारे फोन मिल जाते हैं। यहां पे
फैसला आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। भाई मैं आपको बताता हूँ, कोई भी फोन ना दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे मतलब हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल देखो मैं अभी ये दो फोन यूज कर रहा हूँ आपके सामने, ये है S9 प्लस और ये है यहाँ पे आईफोन 10। अभी आप सोचोगे कि यार आईफोन 10 जो है मतलब सही है ना, सबसे सही फोन है, महंगा फोन है काफी, 1 लाख से ऊपर का फोन है मान लो, ये जो है ये उससे सस्ता है। लेकिन मुझे ये पसंद आता है, मुझे ये इतना पसंद नहीं आता है। कैमरा के मामले मुझे पिक्सल 2 XL इन दोनों से भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे अभी आपका फैसला है, ऐसे में मैं बताने वाला कोई नहीं होता हूँ कि भैया आपको S9 प्लस ही लेना है कि आपको पिक्सल 2 लेना है कि आपको आईफोन लेना है। आपका पैसा है, आप डिसाइड करो। सभी फोन अच्छे हैं, S9 प्लस भी बहुत कमाल फोन है, आईफोन 10 भी बहुत कमाल फोन है, पिक्सल 2 XL भी बहुत कमाल फोन है, लेकिन सब में अपनी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं। अभी कहीं पर तो हेडफोन जैक की कमी है। अभी आईफोन का मेरे को फ्रंट कैमरा इतना पसंद नहीं आया था, पिक्सल का फ्रंट कैमरा वगैरह बहुत जोरदार था, लेकिन जो स्क्रीन क्वालिटी है उसके मामले में S9 जो बेस्ट है, S9 ऊपर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे अब आपको फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको सैमसंग का UI पसंद है, आपको सैमसंग की एप्स वगैरह पसंद है, आपको S9 चाहिए वाटर प्रूफिंग के साथ में, ड्यूअल कैमरा, वेरिएबल अपर्चर वगैरह, तो ये ले सकते हो। आपको एप्पल ब्रांड चाहिए, आपको iOS यूज करना है, तो आपको आईफोन 10 लेना चाहिए। 8 को मैं इतना रेकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज आज के टाइम में ना 8 मतलब वो सा हो गया है। 7 वगैरह मिलता है, HD में 7 ले सकते हो, बाकी 8 क्योंकि बीच का सा रह गया वो फोन एक्चुअली। उसके अलावा अगर पिक्सल आपको कैमरा पसंद है, आपकी कैमरा प्रायोरिटी है, तो पिक्सल परचेज करो, लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, ड्यूअल स्पीकर्स वगैरह, बहुत कमाल फोन है मतलब। लेकिन इतना ब्रांड जो रिकॉग्नाइज नहीं है कि गूगल पिक्सल है, कौन सा पिक्सल दोस्त को बोलोगे, तो हाँ S9 को सब जानते हैं, आईफोन को सब जानते हैं। तो उसमें ये थी मेरी कुछ रिकमेंडेशंस, और यहाँ पे जो लिस्ट है ना, मैं इसको भी अपग्रेड भी करूँगा कुछ अभी नए फोन्स को आने दो, तो मैं अभी 1-2 महीने के बाद में एक नया वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे बताऊँगा कि भैया अभी के लिए कौन से सही फोन्स हैं। जब तक के लिए आप समझ रहे हो कि जो प्राइस अगर इन फोन की चलती है इसी रेंज में, इसका मतलब है वीडियो एप्लीकेबल है आपके लिए, और आप देख लो फोन ले लो अपनी पसंद से। और ऐसे में दिमाग में बात रखो, बेस्ट 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 कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं तो भैया कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। आप ले लो दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन जो मिलता होगा, वहाँ पे भी कमी मिल जाएगी किसी ना किसी चीज़ की। तो बेस्ट मत सोचो, ये सोचो कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन सा फ़ोन पूरी करता है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ओप्पो F7 पूरी करता है ना, तो ओप्पो F7 ले लो। आपकी रिक्वायरमेंट अगर वीवो का V9 पूरी करता है तो ले लो, मैं कोई नहीं होता रोकने वाला। लेकिन एज अ जनरल कंज्यूमर मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, वो फोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये होती है मेरी रिकमेंडेशन। तो ऐसे में भैया मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा फोन सही है, कौन सा लेना है। नोकिया 8 सेरको 50,000 वाला, उसका जिक्र किया नहीं, लेकिन वो लेने लायक भी नहीं है 50,000 में यार। डिज़ाइन है नोकिया का, पसंद है, प्यार है नोकिया से, तो वो भी ले लो, मैं कौन तो रुकने वाला। लेकिन मुझे उम्मीद दोस्तों है कि आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि भैया कौन सा फ़ोन सही है मार्केट में फिलहाल, कौन सा नहीं है। नोकिया वरना मत लेना, On7 प्राइम ना मत लेना, ये है खास बात, इनको नोट कर लो, लिख लो कहीं पे, बाकी सब कुछ ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, देख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चलो सुझाव हो तो हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।